अक्षय कुमार सर की साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर स्नेवर्डी ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी। आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस टीम कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल एचडी पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही, और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर
भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे नए मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर श्रॉफ काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी। और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी राजकुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में, जैसे 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है। बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर
मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं। और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों देख सकती हो। और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कल इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रीडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर डी ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया हुआ है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल एचडी पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला। और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और उन मूवीज के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह की मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड
लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मृगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राज कुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुकी है, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी। और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियां छोटी मियां एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग अभी भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में रॉबर्ट सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है। और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने
अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीज़र अभी तक नहीं दिखे हो तो दोस्तों देख सकते हो, और सिंगम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इस ने बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इनकी इस थीम कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है, फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं, साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी
प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछली टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे। पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने की रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है, और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था, और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां, जो कि रिलीज़ होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है, और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुकी है, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपर हिट मूवी बन चुकी थी, जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है, और लोग इंतज़ार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है, और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है, और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी आप सभी को जरूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए, और बड़े मियां छोटे मियां एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग अभी भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे, और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी राजकुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है, वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर सकती है। पर दोस्तों इस टाइम
वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ की तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। आप हमें बताइएगा, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जानवर के अलावा कौन से जानवर की मूवी देखना पसंद है? क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए, इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीज़र अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंगम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कल इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए, कमेंट करके बताइए। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर डी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस दिन कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को Amazon प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी
देखने को मिलने वाली है और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है, फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टूडियो के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टूडियो के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं, साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, थालापति विजय सर एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए? तो दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है? और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए
ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे, और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वीराज कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है, और आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे, और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है, और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिन लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड के काफ़ी सारे मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है, और मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे, या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखे हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज ने बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम्स अरोड़ा, और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इनकी इस कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई
ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, तो दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नए मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां, जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और
इज अ टाइगर श्रॉफ काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये इज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुकी है, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वीराज कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में रॉबर्ट सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर सकती है, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर के कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में, देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है। बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कंकन इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए, कमेंट करके बताइए और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारे मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज ने बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के
कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी। आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को हम अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर होलीडे फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफी सारे लोग को इनकी इस थिंग कास्टिंग काफी ज्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को Amazon प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों होलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही, और होलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और होलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नए मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में होलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है, और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था,
दबंग की सीक्वल के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मृगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर श्रॉफ काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी। और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग अभी भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी राजकुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में रॉबर्ट सर के साथ एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज सुपर डुपर हिट चल चुका है और मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को
काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कल इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए, कमेंट करके बताइए। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रीडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफी सारे लोग को इनकी इस कास्टिंग काफी ज्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को Amazon Prime Video पर और इस मूवी को फुल HD पर Prime Video Network पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और Prime Video Network का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला। और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी Prime Video Network पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी
ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी बने गई, जिनसे सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले राउडी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी फिल्म के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नए मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर श्रॉफ काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतज़ार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी। और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियां छोटे मियां एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में रॉबर्ट सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम करते थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कनकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने
अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकते हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कल इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारे मूवी के ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल एचडी पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा। हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं, साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं।
जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे। पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो? आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए? तो दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नए मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है? और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है, और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था, और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां, जो कि रिलीज़ होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है, और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी, जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है, और लोग इंतज़ार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है, और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो? आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है, और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी देखिए, और बड़े मियां छोटे मियां एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग अभी भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे, और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी राजकुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी
पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है। और आप लोग में से कहीं एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जानर के अलावा कौन सी जानर की मूवी देखना पसंद है? क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है, और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी है अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है, और मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और किस तरह के मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारे मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस थीम कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ की हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम
जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है, फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे। पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करते हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है। और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा, इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, तो दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां, जो कि रिलीज़ होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वीराज कुमार एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतज़ार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी
प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी देखिए और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वीराज कुमार को हाल ही में सोलार मूवी में एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सोलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में, जैसे 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है। बॉलीवुड की काफ़ी सारे मूवीज सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारे मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इस ने बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इनकी कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई
ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन इस तरह के मूवीज़ की हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए तो दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था और दोस्तों हाल ही में टीज़र आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और
जैसे टाइगर श्रॉफ काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज एक अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपर हिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखी है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। पृथ्वीराज कुमार को हाल ही में सोलार मूवी में एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सोलार मूवी में रॉबर्ट सर के साथ एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए, इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कंकन इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए, कमेंट करके बताइए और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रीडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर डी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम्स अरोड़ा और इस मूवी के
कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगी। 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी। आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीजन से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी को हम अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स पर होलीडे फुल मूवी लेके कॉमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफी सारे लोग को इनकी इस थीम कास्टिंग काफी ज्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों होलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और होलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थालापति विजय सर एज लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और होलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, तो दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में होलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर
भी दिखा जा चुका है और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी भी अब रुकावट आ चुकी है और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मृगदास जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी। और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जानर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जानर के अलावा कौन सी जानर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिन लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर
मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीज़र अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रोम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी एज लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब फिल्मर के बारे में आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग को इनकी इस थीम कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल एचडी पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही, और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज अ लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो,
और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतजार करती हो आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सिर्फ अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के लिए जिनसे सोनाक्षी सिन्हा, इससे पहले राउडी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, तो दोस्तों आप हमें बताइए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है, और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुग्धस जो डायरेक्टर है इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था, और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां जो कि रिलीज होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी नई मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वी राजकुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है, और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपरहिट मूवी बन चुकी थी जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है, और लोग इंतजार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन से जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है, और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है, और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग अभी भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे, और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वी राजकुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम करते थे, पर दोस्तों इस टाइम वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, और लोगों ने इन मूवीज़ के तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है, और आप लोगों में से कंकन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी
या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है, और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते हैं दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिल लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है, और मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए होलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकती हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखी हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंघम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन इंतज़ार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी होलीडे अ सोल्जर इस ने बॉडी ऑफ ड्यूटी फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम्स अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर होलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इनकी इस थिंग कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ की हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए। इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज़ के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों होलीडे मूवी को फुल HD पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल HD पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह के मूवी देखने को नहीं मिल रहा था, और इस तरह के मूवीज़ के
हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने के रीजन से सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए, दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर के मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था, दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है, और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था, और दोस्तों हाल ही में टीज़र आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां, जो कि रिलीज़ होने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सर भी एज अ सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पृथ्वी राजकुमार एज अ सपोर्टिंग एज ए विलियन के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे नए मूवी के अंदर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और हम आप सभी को बता दें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी और साथ ही साथ 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार में पृथ्वीराज कुमार एज ए लीड कास्ट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आप सभी में से कंगन अक्षय कुमार सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों हाल ही में टीजर रिलीज में आ चुका है, और एज अ टाइगर सर काफ़ी लंबे समय तक फ्लॉप मूवी दे रहे थे, उसके साथ साथ इस टाइम ये एज अ अलग ही किरदार पर नजर आ चुके हैं, जिसको वार मूवी में ऋतिक रोशन के साथ भी टाइगर श्रॉफ सर को देखने को मिल गया था, जो एक सुपर हिट मूवी बन चुकी थी, जिसका सीक्वल आने के लिए भी तैयार हो चुका है, और लोग इंतज़ार कर रहे थे उस मूवी के हिंदी सीक्वल के लिए भी, और आप सभी को वो मूवी देखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा देखना पसंद है, और किस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुकी है, और इन दिनों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी आप सभी को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे हिंदी प्रीमियर मूवी लिखिए, और बड़े मियां छोटे मियां एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके हिंदी प्रीमियर के लिए लोग भी एक्साइटिंग हो रहे हैं, जो आप सभी को काफ़ी खास भी लग जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों ये सब मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे, और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकती हो। पृथ्वीराज कुमार को हाल ही में सलार मूवी में एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी में प्रभास सर के साथ एज अ लीड कास्ट देखने को मिल चुका है। वो एक मलयालम इंडस्ट्री की एज अ लीड कास्टिंग काम कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम
वो एज अ विलियन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है और लोगों ने इन मूवीज़ की तरह उनको भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो? क्योंकि दोस्तों हॉलीडे मूवी भी ऑलरेडी एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, जिसको ऑफिशियली प्रीमियर में लेने के साथ साथ इस मूवी को रीमेक किया गया था। खुद वही डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑफिशियली रीमेक करने के रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में देखने को मिल चुका है। और आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए, आप हमें बताइएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी और कहानी आप सभी के पास हम लेकर आना चाहते हैं, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को ये सब मूवी या फिर इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद है? क्योंकि दोस्तों रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी कहानी आप सभी को प्रीमियर में भी देखने को मिल जाएगा। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन स्टोरी और कहानी को देखने के लिए, और उसी दौरान आप सभी को हम कुछ एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी प्रीमियर में भी लेकर दिखा चुके थे। और साथ ही साथ अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप होने के बाद उनकी मूवी उतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ की दबदबा अभी भी कायम है, और काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी ने अच्छी खासी रेस्पॉन्स गेन कर रही है। देखते दोस्तों अपकमिंग डेज में साउथ की मूवीज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ चल पाती है या फिर नहीं, और कैसे दिन लगता है अपकमिंग डेज में। देखिए 2023 कुछ एक्साइटिंग डेज हो चुका है, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट चल चुका है और उन मूवीज़ को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और आप लोगों को भी ये सब मूवी देखने को मिल जाएगा। आप हमें बताइए, इन दिनों इस तरह की मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और किस तरह की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन सिनेमा की मूवी प्रीमियर में कर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए और बताइए हॉलीडे और सोल्जर मूवी आप सभी को देखना है या फिर नहीं, और बताइए कि दोस्तों बॉलीवुड की साउथ मूवी के अलावा साउथ इंडस्ट्री की मूवी आप ज़्यादा पसंद करोगे या फिर बॉलीवुड की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग बेहतरीन सिनेमा की मूवीज़ और बेहतरीन स्टोरी कहानी दिखाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी बड़े मियाँ छोटी मियाँ के टीजर अभी तक नहीं दिखे हो तो दोस्तों देख सकती हो, और सिंगम 3 में भी आप सभी को अक्षय कुमार सर को एज अ कास्टिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों में से कल इंतजार करने वाले हो ये सब मूवी के लिए, कमेंट करके बताइए, और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। कौन सी मूवी अभी तक नहीं देखी हो आप हमें कमेंट करिए, हम आप सभी को सारी मूवी के ऑफिशियल रिडायरेक्ट लिंक अपडेट भी कराएंगे। अक्षय कुमार सर के साल 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर डी ऑफ ड्यूटी फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर लीड कास्ट में अक्षय कुमार सर के साथ फ्रेडी डरवाला, अप्रूम अरोड़ा और इस मूवी के कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई एक बेहतरीन मूवी, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस तरह के वीडियो इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मूवी लवर के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह के मूवी को देखने के लिए, जिसके रीज़न से आज के इस वीडियो में इस मूवी के हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में आप सभी का अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर हॉलीडे फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। ये ऑफिशियली बेहतरीन मूवी अनाउंसमेंट कर दिया गया चुका है, और अक्षय कुमार एज ए लीड कास्ट इस मूवी के अंदर अपने कास्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इनकी इस कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगने वाला है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में अपडेट लोगों को Amazon प्राइम वीडियो पर और इस मूवी को फुल HD पर प्राइम वीडियो नेटवर्क पर देख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इस मूवी का अनाउंसमेंट और प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों ने आसानी से देख पाओगे। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के हिंदी फैन हो और ये सब मूवी हिंदी के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज पर देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों मूवी अक्षय कुमार सर की काफ़ी सारी कम हो चुकी है, जो कि पहले एक साल में 3 और 4 मूवी आती थी, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की मूवी लिमिट आ रही है, जो कि पिछले टाइम कुछ मूवी फ्लॉप होने के रीज़न से इस टाइम उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को पेंडिंग में ही देखने को मिला, और अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी
देखने को मिलने वाली है, और जिसी दौरान आप सभी को एक्साइटिंग नई मूवी के रिलीज अपडेट और मूवीज के कहानी के बारे में हम जानकारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, इन दिनों हॉलीडे मूवी को फुल एचडी पर अभी तक नहीं देखी हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों इंतजार अब खत्म हो चुका है, फाइनली दोस्तों आप सभी को ये मूवी फुल एचडी पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन स्टूडियो के साथ बनी हुई ये मूवी आप सभी को सबसे अच्छी लगेगी। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो दोस्तों ये मूवी प्राइम वीडियो नेटवर्क पर आसानी से देख पाओगे। एक बेहतरीन स्टूडियो के साथ बनी हुई इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को अभी तक इस तरह की मूवी देखने को नहीं मिल रहा था और इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आप सभी को काफ़ी सारी नई नई एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर आने वाले हैं, साथ ही साथ पिछले टाइम भी आप सभी को हम एक्साइटिंग नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखा चुके हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग बन चुका था। इन दिनों अक्षय कुमार सर की फैन फॉलोइंग और क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और रिलीज़ के साथ साथ पिछले टाइम अक्षय कुमार सर की कुछ मूवी फ्लॉप में जा रही थी और कुछ मूवीज़ एक एवरेज मूवी में रही। और हॉलीडे मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदोस, जो साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, जिनकी ये मूवी ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में भी प्रीमियर हो चुका है। थालापति विजय सर एज ए लीड कास्टिंग उस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, थालापति विजय सर एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को थालापति सर की मूवी ऑफिशियली हिंदी में देखने के लिए पसंद कर रहे थे, पर दोस्तों उस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इसके रीज़न से ये मूवी प्रीमियर में आ चुका था, और उसी की रीज़न से ही ये मूवी आप सभी को देखने को मिल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी मूवी हिंदी में देखने के लिए इंतज़ार करती हो, आप हमें कमेंट करिए। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अक्षय कुमार सर अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और उनकी ये सब मूवी के अलावा अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी की कहानी देखने को मिल जाएगी। और हॉलीडे एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी बने के लिए, जिनसे सोनाक्षी सिन्हा का इससे पहले रावड़ी राठौर में इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, और इस टाइम कुछ अलग ही किरदार पर ये नज़र आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों में से कन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और हिंदी प्रीमियर के लिए? दोस्तों आप हमें बताइए, हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्टोरी के लिए हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद आने वाला है? और पिछले टाइम थ्रिलर मूवी में हॉलीडे एक बेहतरीन मूवी के अंदर भी दिखा जा चुका है, और सोनाक्षी सिन्हा एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। और सोनाक्षी सिन्हा पिछले टाइम उनकी मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे लोग ने एक्सपेक्ट किया था। दबंग की सीक्वल्स के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी मूवी में अब रुकावट आ चुकी है, और इस टाइम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और मुरुगदास जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी अब नई मूवी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार सर की अपकमिंग डेज में आने वाली मूवीज़ में से सबसे पहले आप सभी को मिशन रानीगंज 2023 में देखने को मिल गया था, और दोस्तों हाल ही में टीजर आ चुका है।